राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। फिर से ये चेहरा आपको दिख गया होगा है ना, तो हम फिर से मतलब मिल लिए। मैंने सोचा जब तक मैं यहाँ हल्द्वानी हूँ, मतलब मैं कुछ दिन ही हल्द्वानी हूँ, फिर मैं चले जाऊंगी यहाँ से, तो हमने सोचा कि तब तक हम क्यों ना एक बार और मिल लेते हैं, फिर और थोड़े मजे कर लेते हैं और आप लोगों को कुछ चीजें दिखा देते हैं कि हम यहाँ क्या करते हैं, है ना। तो जो इससे पहले ब्लॉग था वो आप लोगों ने देखा, लाइक करा और शेयर भी करा। हाँ, 400-500 ही दिया, बस इतना ही दिया था, लेकिन बहुत है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हल्द्वानी में ऐसा कुछ है नहीं दिखाने को यार। बहुत मजबूरी होती है यहाँ ब्लॉग बनाना और टाइम भी नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से आज हमने टाइम निकाला है, वो भी शाम के टाइम, फिर भी इतनी धूप है। तो अभी हम जा रहे हैं नुमाइश, 2 महीने हो गए और हम ऐसे बच्चे हैं जो मतलब अभी तक नुमाइश नहीं गए, लगा लो मतलब लोग यहाँ 5 बार गई, मैं मतलब मैं सिर्फ वही बची, ये भी ऐसे जितनी बार गई उतनी बार बारिश हो जाती है। हाँ, तो मतलब जब आप नुमाइश जा रहे हो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप पैसे तो बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि अगर आप पैसे लेके जाओगे तो वो आपके खर्च होंगे। और मुझे नहीं लगता यार कि वहाँ मतलब कुछ चीजें ही है यार, जैसे झूले में बैठो ये वो, सिर्फ इतना ही है। पीछे से हॉर्न दे रहा, क्या कह रहा होगा, ब्लॉग बनाने के उसमें लगे हैं, तो सिर्फ इतनी सारी चीजें हैं, इतनी ले जानी पड़ती है आपको। और खाली आ जाओ, फोन ले जाओ, हो सके तो गूगल पे पर कंट्रोल रखो, क्योंकि आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ऐसे कंट्रोल करना। और हम दो तो हैं, अभी एक दोस्त और आ रही है, उसको थोड़ा टाइम है, शादीशुदा बच्चों वाले को थोड़ा टाइम लगता है आने में, तो हम उसका थोड़ा इंतजार करते हैं। और हमने सोचा तब तक हम ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं, वो बस आने ही वाली है अभी थोड़ी देर में, तो देखते हैं कि क्या क्या होता है नुमाइश में और हम लोग क्या करते हैं, बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। गाइस, जब आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी तो समझ जाना कि हम पहुंच गए हैं जहाँ नुमाइश लगी है MBPG के पीछे, तो यहाँ जाना है। ये बड़ा सुंदर लगता है मुझे, जो ये ड्राइंग करी है ना, कितना सुंदर पहाड़ी लुक आ रहा है। और ये देखो, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक फ़ोटो खिंचा लेती हूँ, सुंदर सुंदर फोटो के साथ, ड्राइंग के साथ हमने फ़ोटो खिंचा ली है, मस्त मस्त, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, नीतू ये तेरी जैसी नहीं लग रही थोड़ी नीतू यार, क्या नीतू के बिछड़ी हुई बहन को एक उसमें पेंटिंग में संजोने का काम किया गया है। अरे अरे आजा, तेरी बहन घर में है, चल अपनी बहन के साथ व्लॉग बनाती है और यहाँ उसके साथ खींच रही है, अपनी बहन को कहना कि तेरी जैसी हम शक्ल दिखी थी। तो बस पहुँच गया MBPG हम, तो अब अंदर जाते हैं। वहाँ यहाँ 2 ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है अभी बताती हूँ आपको। देखो, टिकट काउंटर है यहाँ पे, आपको 30 रुपये में टिकट मिल जाएगी, तो हम इसी से जाएंगे क्योंकि हमें फालतू पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे 30 रुपये टिकट में। गाइस फाइनली हम अंदर आ गए, तो अब देखते हैं कि क्या, आज यहाँ कुछ है ही नहीं कोई, मतलब भीड़ भी नहीं है। अभी हम थोड़ा जल्दी आए ना, टाइम हो रहा है अभी 3:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए, तो अब हम फुल घूमते हैं, मजे करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ। देखो, जैसे ही आप अंदर घुसोगे आपको ऐसे अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएंगी। मैं सच में बताऊं, मैं इतना बोर हो रही हूँ ना यहाँ, मतलब मेरे को ऐसे आदत ही नहीं है मतलब फालतू घूमने की। सच्ची बताऊं, जब मैं यहाँ 1 महीने से इधर होके मैं यहाँ नहीं आई। हाँ सच में गाइस, इसमें मन कर रहा है, मैं आई भी इन चीजों के लिए ही हूँ यहाँ, कि मैं ऐसे बैठूंगी। और ये सारा देखो झूलने का, मतलब सबसे बेस्ट है, मैं सिर्फ यही करूंगी, बाकी कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है मुझे, सिर्फ यहाँ घूमना है। ब्लॉग चल जाए यहाँ, तो जैसे ही कविता आती है उसका वेट कर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ है, तो थोड़ा एक और बढ़ जाएगी तो और बढ़िया होगा, तो थोड़ा सा हम तब तक घूम लेते हैं, तब तक का देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, कि हम यहाँ झूलेंगे करके। बाय गॉड, ए भगवान, ऐसा लग रहा है ना यहाँ कोई नहीं है, देखो ये क्या हो रहा है, मतलब ना बारिश हो रही है ना कुछ हो रहा है, फिर भी कोई नहीं है यार, हम आ रहे हैं करके सब भाग गए क्या, हम तो ऐसे डॉन भी नहीं है, अच्छा लग रहा है ना, हमको देख के सब भाग गए हैं, मतलब भागे भी कहाँ, कोई आया ही नहीं था, कहाँ से भागेंगे यार, बड़ी आफत है यार, कसम से। देखो क्या करते हैं, लेकिन मौसम इतना जबरदस्त हो रहा है ना, बढ़िया वाला, हम ऐसे घूम सकते हैं, धूप होती तो हम इतना चल नहीं पाते, वही डांसिंग फ्लाई यहाँ पर, ये नया वाला आया है। एक वो मैंने सोचा था कुछ रील बनाऊंगी करके, बनाई मजा आएगा, हमने तो हम सोचते हैं कि मेरे से तो मैंने तो अभी कभी ट्राई नहीं कराया रील बनाने का, बनाती है लेकिन ये बनाती है इंस्टाग्राम पे, तो अब इसको पकड़ते हैं तो देखते हैं कुछ करते हैं तो। हाँ, वैसे मेरे को आता है नहीं वो वाला, कब मैंने ये सोचा था, ट्राई करते हैं गाइस, बनी तो ठीक है वरना मत देखना, अगर बनी होगी तो मैं बता दूंगी कि बनाई है करके।
दिखाते हैं आपको। किस किस को बताना कि अपना बचपन याद आ रहा है। ये बच्चों वाला झूला है गाइस। हमारे बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। चेतना के बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर में ये वाला ब्लॉग आएगा, इसमें चेतना झूलेगी अकेले अकेले। देखते हैं कि झूलती नहीं झूलती है। ये ले, मतलब सही में इतना मजा आ रहा है ना यार। यहाँ पे अलग अलग तरीके से झूले दिखाती हूँ, आइए आप देखिए। मेरे साथ ही रहा, बहुत ही बढ़िया सा बच्चों का झूला है ये। देखो, ये देखिए सबसे बढ़िया मेरा, सबसे ये है आपका। अच्छा, इधर क्या होता है? डराते ना, हॉरर वाला। अच्छा, हम तो डरते ही नहीं है। कौन सा हाउस? और ये है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको उस वाले में मिलूंगी। नाव क्यों? तू तो कह रही थी इसमें बैठूंगी नहीं। अरे पता नहीं, उस वाले में, नाव वाले में। उस वाले में बैठना है। तू यहाँ बैठ, थोड़ा दौड़ के जा। तो गाइस फाइनली एक साल के बाद, दो साल पहले भी एड करी थी तू, एक साल के बाद मिल रही है मुझे। एक साल के बाद मुझे कहते हैं कि हल्द्वानी आएगी तो मिलना, और अपना पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हैं। कहाँ होती है बता दो। इसकी आवाज ही आएगी आपको, इसके होने का ना होने का कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसी दोस्त है ना, मैं इसको फोन इसलिए नहीं करती हूँ ना, रीजन तेरी, मतलब मैं तेरी मम्मी से जानना चाहूंगी ना कि तेरी आवाज ही ऐसी है, तुम जानबूझ के करती है। सच में बता दो, तेरे लिए स्पेशल करती है। मेरे लिए स्पेशल करती है, मेरे को समझ ही नहीं आता। मैं कहती हूँ क्या कह रही है, क्या कह रही है, कहने में ही रह जाती। तो गाइस फाइनली चलो जो भी है, अब हम मजे करते हैं थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, झूले में बैठेगी, बचपन याद करेगी अपना। दोस्तों यहाँ पे पता नहीं क्या है, परेशान आई क्यों है फिर तो। झूल देखिए, तो चेतना को इस वाले झूले में झूलना है, लेकिन लग रहा है डर। अब देखते हैं ये लोग झूलते नहीं झूलते। मैं नहीं आ रही, तुम दोनों जाओ। टिकट काट ले पहले, यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे टिकट वाले भैया कितना टिकट है पूछ लेते हैं हम इनसे। नहीं मैं नहीं, पहले पूछ के टिकट है कितने हो गए। 200। तो यहाँ पे 100 रुपीस का टिकट है, तो मैं तो अपने वेस्ट नहीं करना चाहती 100 रुपीस। तो गाइस फाइनली कविता और चेतना जो है झूले में बैठ चुके हैं। तो अभी झूला चल रहा है, तो अभी इस पूरे झूले में बस वो दो ही है इकलौते जो झूल रहे हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं उसका वीडियो बना दूँगी, तो इसलिए मैं नहीं झूल रही हूँ, वरना मैं भी झूल लेती, ऐसा कुछ है नहीं। रीजन तो कहाँ गई, तो वो देखिए इसको अभी जा रही है। तो इसमें से तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ गई इस। मेरे को सारे डब्बे पता नहीं खाली दिख रहे, कहीं ये दोनों गायब तो नहीं हो गए। ओ दिख गए मुझे, दिख गए। और कह रही भैया पी रहे। भैया बेचारे को तो सुनाई नहीं दे रहा होगा। भाई देखो ऐसी लग रही है यहाँ से हल्द्वानी, ये देखो भाई गॉड, मुझे लग रहा है कि आप रोक रहे हैं भैया। एक रामदार बस चलाते हो भैया, दो राउंड भैया भी ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे। ये देखो गाइस हल्द्वानी यहाँ पे, और कविता ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि ये वो नहीं होना चाहिए, फोन नहीं गिनना चाहिए। भाई यार बड़ा मजा आ रहा है यार, ये देखो गाइस, ये देखो। फाइनली जिंदा वापस आ गए। जब उसने ऊपर रोका ना, बाय गॉड, तेरे को कैसा लगा? बढ़िया, मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी, बतानी। 200 रुपए में आपको ये मिलेगा। मैं कविता से कह रही हूँ ले ले, तू ये ले ले कविता। जीन्स टॉप पहन तू, ये देखो सोच रही है, तू सोचते रहेगी लेगी, कुछ नहीं पता है मुझे यार। इसको देखिए ना, बचपन की याद आ रही है, मतलब बचपन में तो हम कहाँ बैठे थे, लेकिन बच्चों को देख के मतलब अपना बचपन याद आ रहा है कि कितने मजे करते हैं बच्चे यार, सच में। फाइनली कविता ने मेरे लिए पसंद किया है, शॉपिंग कर रही है। अगर मैं तेरा 2000 का बिल बना दूँ तो बना दे। ये देखो क्या ले रही है यार, ये पता नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है ये वाला। तू पहनती भी है कुछ ऐसा, कहाँ के लिए अटकेगी तू इसमें? अपने स्मॉल पहन।
एक्सेल है वो भैया, ये इसको ही आएगा, जरा बताओ तो। नहीं आएगा तो खाली दे, अल्प संतोष क्यों ले रही थी, सच सच में बता रही थी। नहीं तो तुझे आएगा ये मेरे को, मैं तो दो आ जाऊंगी, दो आ जाएगा, मैं तो दो आ जाऊंगी, वो नहीं आएगा। 10 मिनट से लड़कियां कुछ ना कुछ लेने में, और इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। बेचारी को एक पसंद आया, उसमें साइज नहीं है। अब ये जबरदस्ती इसको फिट करने की कोशिश कर रही है, ये देखो। कोशिश कर, 2-3 साल में पतली हो गई तो आ जाएगा, बाकी यहाँ से देख ले कुछ। कर जाके पहन के तो मेरे को फोटो भेजना सबसे पहले, मैं देखना चाह रही हूँ कि तुझे आया कि नहीं आया। अगर आया तो फिर इतना 500 रुपए देगी। मैं क्यों दूंगी, वो देगी, वो फिर भी मुझे देगी। चैलेंज लग रहा तुम। नहीं, एक टिकट मुझे पता था तू पक्का चूड़ियां देखेंगी, यही होते हैं तेरे काम। पर अच्छी लग रहे हैं ऐसे मल्टी कलर, आगे मम्मी लोग पहनते हैं ना जो, ऐसे आगे भी आगे पीछे पहनने में अच्छा लगता है। देखते हैं, और यहाँ मिल जाएगा, वैरायटी काफी है यार बहुत इधर। और इधर अगर आपको स्लीपर वगैरह देखने हैं, जा लेके आ, ले ले जा, ये तेरे टूट गए। यही पहनना मुश्किल हो रहा है मेरे भी, जो कंफर्टेबल होते हैं ना वही सही लगते हैं। देखो गाइस, गाइस ये डिजाइन इसमें तो मैं पूरा 2-3 साल निकाल दूं। तो यही डिजाइन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं। अब सबके चप्पल दिखाए जाएंगे इसके, ये मेरे 400 रुपए के, तेरे कितने के? 300 रुपए के। तेरे मतलब सबसे महंगा मैं हूँ इसमें लेने वाली। गाइस, किस किस को याद है अपने बचपन के ये वाले दिन, इमली वाले, ये देखो ये वाली इमली। हाँ अच्छी, ये भी तो इमली है, छोटी वाली है शायद, है ना? पता भैया ये क्या है? पता है तो पूछ क्यों रही है तू? ये खाई, ये भी अच्छा होता है। ये देखो बचपन की यादें हैं सारी ना, बड़ा मजा आता था इनमें। ये क्या है भैया, आप भी खाते हो कभी यहाँ से? आप भी खाते हो? अच्छा, अगर ना मेरी तो दुकान होती मैं तो आधा ही खा जाती। किस किस को लगता है ऐसा? किस्मत में एक गिर गया। इमली नीतू ने ली थी, मैंने ले ली, मैंने इसमें रख दी अपने लिए, मुझे लगा मैं घर जाऊंगी तो गाड़ी के लिए। देखो लेकिन आजकल ना पैसा वाला टेस्ट नहीं आता, जो खट्टा एकदम चूसा लगता है ना। मुझे ये वाला मुझे बोले तू डाल दूंगी मैं इसको ब्लॉग में। मैंने अपने लिए ली है इमली और एक ही है, ये वाली भी अच्छी होती है तो ये इसके कहने पे मैंने लिया है। ये और ज्यादा वो होती है पर ये बहुत टेस्टी वाली। एक मेरा कुर्बान हो गया, किसके काम मजे लगी बना दो। मेरी नहीं लगी यार, मैं तो ले रखी है, मेरी क्यों लगेगी? मेरी नजर में तो चश्मे है, काली भी नहीं पहुंच सकती है। अरे यहाँ क्या कर रही है रे? अपने लिए ले रही है, अपने बच्चे के लिए ले रही है तू? गाइस एक और इमली की वैरायटी हम यहाँ वो करना चाहते हैं, मेरे को दे पहले निकाल, हम रिवील करेंगे क्या है टेस्ट उस तक। इसको पकड़, अच्छा अब इससे हाथ गंदे होंगे यार, छिछी। ये वाला टेस्ट करते हैं, तू करिए आ जा। एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद तीनों का रिएक्शन एक साथ देखना कि कैसा है, इमली कैसी है, खाना बात एक साथ। अभी ये अभी इसमें चारी की तो निकल ही नहीं रही है यहाँ से। चीज को कैमरे में क्या बनाओगे फिर आप पता? अपने हाथ भी वो करने चाहिए यार, यार। उसको खा के आ रहा है सच में मजा, उसको देखो तो नो रिएक्शन ले क्या रही है, जो भी लेके हम यही चट कर देंगे। इनके अलग ही मस्ती चल रही है। Thank you.
पे चेतना जो है फ्री का मेरे को भी मैं भी करूँगी ठीक है ओके तो यहाँ पे चांस मिल रहा है फ्री में फिर मैं भी करूँगी क्या चाहिए तुझे मैं भी करूँगी फिर देख लेना क्या चेतना तू हार गई टाइम घर जा रहे हो उस टाइम पता चल जाए कि अच्छा और भी तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो हम यहाँ आगे घूमने के लिए यार आए थे यार अभी आए थे मेरे को ऐसा लग रहा है अच्छा नहीं आए थे सब सेम जैसा लग रहा है ना उसके उससे मुझे तो ये ताजुब हो रहा है कि यहाँ कोई दोस्त नहीं मिला अभी तक हमें ऐसा कैसे हो सकता है कोई तो मिलना चाहिए था तो गाइस फिर और देखते हैं कि लड़की क्या ले रही है इसको लेना कुछ नहीं होता है खाली पता नहीं देखते रहती है पता नहीं क्यों करती है ऐसा मेरे को ये समझ नहीं आता है तू ये ले ले पता है किस काम आता है मैंने पाउडर लगाती नहीं क्या लगाती थी क्रीम कुछ लेना है कि नहीं लेना है या तो चलो इधर देख ले इसको देखो किसके अपनी बचपन की याद है भैया एक ट्राई और ये देखो गाइस सच में लड़कियों के लिए इतना अच्छा मतलब एक चांस है इधर आके शॉपिंग करने का सस्ता और अच्छे का अच्छा टिकाऊ का टिकाऊ अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार कपड़े धोते हो मेरी तरह रोज धोने वाले हो तो ज़्यादा नहीं चलेगा मेरे कपड़े इस वजह से कम चलते हैं क्योंकि मैं रोज़ धोती हूँ मतलब पहनने के बाद ऐसा कुछ होता है मेरे साथ और ये यहाँ पे लगे हैं शॉपिंग करने में इनकी शॉपिंग है पता नहीं क्या अभी तक तो 20 रुपए का टोटल सामान सही में बता रही हूँ आप 20 रुपए का सामान ले रखा और एक घंटे से घूम रहे हैं मतलब और वो भी खा दिया है और वो भी इमली ली थी वो खा लिया और कुछ नहीं लिया इसके अलावा 2-4 क्लेचर ले रखे मेरे को तो पता था कि कुछ लेने की उससे नहीं आई थी मैं तो सिर्फ ब्लॉगिंग से लाई और ये सिर्फ क्या कहा अपने खोल अपने मन की राज जरा सिर्फ मैं ब्लॉग बनाने के लिए आई थी और 2 इमली खाने के तू क्या करने आई थी मिलने ये सिर्फ देखने के लिए आई थी कि नुमाइश में आया क्या लास्ट दिन आऊंगी कुछ ले लूंगी करके यही था इसका अब देखो क्या होता है जाने तक उम्मीद है कि 200-300 का तो कुछ ले ले कोई ना कोई मैं ब्लॉग में ही कह दे रही हूँ क्या है फिर यार ब्लॉग जो देख रहे हैं वो हमारी फैमिली है यार सच में क्या है नहीं लिया हमें पसंद नहीं आया मेरे को तो कुछ लेना नहीं था यार वैसे भी कपड़े बहुत हैं ऐसा कुछ लेने की जरूरत तो नहीं है अभी फिलहाल जिस दिन होगी ले लेंगे गाइस कहते हैं कि जब घर से बाहर निकलो तो खुद पे कंट्रोल करके निकलो तो आज हमने वही चीजें करी है खुद पे कंट्रोल और कुछ भी नहीं लिया तो गाइस ये है वो स्कूल जहाँ हमारी फाइनल टीचिंग हुई थी जिसके लिए हमें इतना डराया गया था कि फाइनल टीचिंग ये ना हमें इतना डराया गया था कि फाइनल टीचिंग ऐसी होती है एग्जामिनर आते हैं ये होता है वो होता है लास्ट में वो बच्चे यार था एक वो पढ़ाना पड़ा था कठपुतली वाला मैं कठपुतली बना के ले गई मेरे पढ़ाने तक बच्चे वहाँ कठपुतली छोड़ दी मतलब इतना डराया गया था लास्ट में कुछ नहीं होता है सच में जितना डराया जाता है मतलब जो नॉर्मल होता है ना नॉर्मल होता है वही होता है क्या है तो अभी हम जा रहे हैं आप देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करते हैं एक एक करके दूर होने का टाइम आ रहा है फिलहाल के लिए नीतू जा रही है हाँ। मतलब उम्मीद तो नहीं थी कि दोबारा मिलेगी लेकिन फिर भी मिल लिए थे क्या बताओ तीसरी बार भी मतलब मुश्किल है अभी तो मैं हाँ, चली जाऊँगी लेकिन जब अगली बार आएंगी तब मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय तो गाइस नीतू तो चली गई थी अब हम दोनों की बारी है अभी हम बैठे हैं टुक टुक में मेरी प्रिय सवारी है टुक टुक पता है तुझे मुझे इतना अच्छा लगता है इसमें बैठना और अब हम भी जाएंगे बस पहुंचने वाले मेरा तो थोड़ा बचा है तो उससे आगे को जाएगी